ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छाए पुजारा, खास रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज, कई दिग्गजों को पछाड़ा। भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद के मैदान पर शुरू हुआ। इसमें टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने उतरे चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो वह अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए फेमस हैं। जब एक बार क्रिस पर चेतेश्वर पुजारा टिक जाएं तो उनको आउट करना गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो जाता है। भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को भारत की दीवार कहा गया, लेकिन चेतेश्वर पुजारा भी टीम इंडिया के लिए द वर्ल्ड 2.0 के नाम से जाने गए। एक दशक ऐसा भी रहा जब चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे थे, और यही उन्होंने अहमदाबाद में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले के दौरान भी किया। दरअसल अहमदाबाद में टेस्ट क्रिकेट के इस मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत के इस स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की बात करें तो शनिवार को जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने दो बड़ी उपलब्धियां हासिल की। पुजारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन अपना 10वां रन पूरा करते ही एक खास उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए। दरअसल चेतेश्वर पुजारा ने जैसे ही इस मुकाबले में अपना 10वां रन पूरा किया, वह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2000 से ज़्यादा रन बनाने वाले वह चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ यह कारनामा कर चुके हैं। इसके अलावा भारत के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, जिनके नाम 3630 रन हैं। वहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2000 या उससे ज़्यादा रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा कुल छठे बल्लेबाज बने हैं। पुजारा की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 24वें टेस्ट मुकाबले में यह कारनामा किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी चेतेश्वर पुजारा का नाम शामिल हो गया है, और वह इस लिस्ट में भी चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। चेतेश्वर पुजारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि चेतेश्वर पुजारा अब तक भारत के लिए 101 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं, जहां उनके नाम 7000 से ज़्यादा रन हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा ने शुभमन गिल के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाई। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने अपनी पारी के दौरान कुल 42 रन का योगदान दिया और 3 चौके भी अपनी पारी में लगाए। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल के बीच शतकीय साझेदारी भी हुई, जो भारत के लिए इस मुकाबले में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई। बहरहाल पुजारा ने दो खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।